नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएम टेक टिप्स के और फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एडसेंस के एंकर ऐड के बारे में। अब देखें, काफ़ी सारे ब्लॉगर को इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसी ढेर सारी कमेंट्स आए हैं इसमें। मुझे बार बार यूजर पूछते रहते हैं कि इस तरह का एडसेंस का जो एड यूनिट, यानी कि आपके मोबाइल में जो टॉप पे या बॉटम में जो स्टिकी एड होता है, इसे कैसे एनेबल कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज के डिटेल में बात करने वाले। यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक मोबाइल की स्क्रीन दिखा देगी। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली एंकर ऐड किस तरह से वर्क करते हैं। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप इसे एनेबल कर सकते हैं और इसकी मदद से आसानी से आप अपनी एडसेंस की अर्निंग को बूस्ट कर सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद हम वेबसाइट को विजिट कर लेंगे। अब देखिए, वेबसाइट सक्सेसफुली ओपन हो चुके हैं। अब देखिए, एंकर ऐड किस तरह से वर्क करती है। तो जैसे कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा और जैसे नीचे स्क्रॉल करेगा, या तो कोई पर्टिकुलर पोस्ट को ओपन करेगा और नीचे स्क्रॉल करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके टॉप बार पे एक स्टिकी ऐड शो होगी, जैसे कि आपको वीडियो के अंदर दिखा देगी, देखिए मोबाइल स्क्रीन में। अब देखिए, ये क्या होता है कि जब तक आप जो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में जब तक आप सर्फिंग करते हो, तब तक ये आपको ऐड शो होगी। अगर यूज़र इसे हाइड करना चाहता है तो कर सकते हैं, इसको ऑप्शन भी मिलता है। इसके मदद से क्या होता है, और देखिए इसका खास बात यह है कि जो एक एंकर के अंदर जो एडसेंस की ऐड ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी, तो क्लिक आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह की ऐड आप किस तरह से आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में एनेबल कर सकते हो यूजिंग गूगल एडसेंस, इसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अब आपको दिखा देगी लैपटॉप की स्क्रीन। अब देखिए, इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले ओपन करना है गूगल एडसेंस। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो किसके साथ होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, गूगल एडसेंस ओपन हो गया है। इसके बाद आपको क्लिक करना है माय एड्स पे और इसके बाद आपको ऑटो ऐड पे क्लिक करना है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम किसके साथ होता है, तो कि जितने भी ब्लॉगर है, जो ब्लॉगर तो डायरेक्टली गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड एक्सेस नहीं करते, डायरेक्टली वो जो अपना एडसेंस का ऐड है वो डायरेक्टली ब्लॉगर के डैशबोर्ड में से ऐड करते हैं, तो इसके साथ बहुत ये प्रॉब्लम होता है। तो इन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले विजिट करना है अपना गूगल एडसेंस, इसके बाद माय ऐड, इसके बाद ऑटो ऐड। इसके अंदर आपको देखिए, ऑटो ऐड्स के अंदर आपको ऑटो ऐड एनेबल करनी है। तो आपको सबसे पहले देखिए, अगर आपने अभी तक एनेबल नहीं किया, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए सेटअप ऑटो ऐड, वहाँ पर क्लिक करके आपको एक ऐड यूनिट मिलेगा। देखिए, आपको यहाँ पर कोड मिलेगा, इस कोड को आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के हेडर में आपको पेस्ट करना है, तो आपका जो ऑटो ऐड स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एंकर ऐड किस तरह से आपको एनेबल करनी है। अब देखिए, ऑटो ऐड आपने सेटअप कर ली, सिंपली आपको यह कोड कॉपी करके आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट के हेडर में पेस्ट करना है, वो तो आपको पता होगा, सिंपल है। इसके बाद आपको सिंपली देखिए इस पेंसिल की आइकन पे क्लिक करना है। अब देखिए, इसके अंदर आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए, काफ़ी सारे जो मोस्ट ऑफ ब्लॉगर होते हैं वो क्या करते हैं, ये सभी ऐड को एनेबल करते हैं, तो सभी ऐड को आपको एनेबल नहीं करना है। आपको जस्ट एंकर ऐड चाहिए, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको वहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एंकर ऐड और देखिए आपको विजेंट ऐड, ये दो ऐड आपको एनेबल करनी है। देखिए, जैसा आप ये दो ऐड को एनेबल करोगे, इसके बाद आपको सभी सेटिंग को सेव करना है। तो जो आपके मोबाइल, जब भी आप कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट को मोबाइल में विजिट करेगा, तो इसे इस तरह की आपको दिखा देगी मोबाइल की स्क्रीन, इस तरह की जो एंकर ऐड शो होगी, इसके मदद से आपकी ऐड पर क्लिक होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है और आपकी एडसेंस की अर्निंग बूस्ट भी हो सकते हैं। अब देखिए, वीडियो बनाने का रीज़न यह है कि काफ़ी सारे ब्लॉगर को इसके बारे में पता नहीं था और मुझे कमेंट में पूछते थे कि जो आपकी वेबसाइट में एंकर ऐड, यानी कि जो आपकी स्टिकी में टॉप बार में ऐड शो होती है, वो किस तरह से लगाते हैं। तो आशा रखता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरह से आप एंकर ऐड एनेबल कर सकते हो आपकी एडसेंस अकाउंट में। तो बस आज का वीडियो नहीं तकता, आशा रखता हूं आपको बहुत ही पसंद आया। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। और अगर आपको जो आपकी खुद की वेबसाइट डेवलप करनी है, डिज़ाइन करनी है, या आपको आपका खुद का लोगो डिज़ाइन करना है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, वहाँ जाकर आप आसानी से मुझे बात करके जो किसी भी प्रकार का वर्क करवा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।